भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। उसका नाम है हानि जन्य दुख। हानि जन्य दुख, बिजनेस में हानि हो गई वो दुख, चुनाव हार गई वो दुख, फसल डूब गई वो दुख, फसल सूख गई वो दुख, फसल पशु खा गए वो दुख, घर में किसी की मृत्यु हुई वो दुख, घर में चोरी हो गई धन की हानि हो गई वो दुख, किसी तरह की हानि होने का दुख वो हानि जन्य दुख है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जिसे ये दुख लोभ के कारण होता है। अंदर लोभ ज्यादा होगा तो हानि को तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए किसी की बात सहना भी तप है, लेकिन घाटा को भी सहना बहुत बड़ा तप है। चुनाव हार जाओ, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो भी पति पत्नी मुस्कुरा कर बैठकर पार्ले बिस्कुट डुबा कर चाय पीजिए और मुस्कुराइए कि सौभाग्य रहा कि 5 साल लफड़ा से बच गए, रेस्ट करो। हाँ, कभी भी चुनाव हारने पर आप दुखी मत होइए। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था। 15 बार में तो तुम लड़ोगे ही नहीं, अब सोचो कितना बेशरम रहा होगा वो। 15 बार हारा, फिर 16वीं बार लड़ा। अब तुम्हें कितनी शर्म लागत, 2 ही दांव लड़ा तो हार गए, 3री बार हिम्मत ही नहीं करते। अरे जिंदगी भर लड़ो, पर्चा भरे में कौन ताकत ज्यादा लगा। वोट देवैया वो भी जय है, कहीं अरे इका दई दे आग दाऊ वोट निकल जाए दो, और निकल गयो ये कदाओ बस ठीक है। तो अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारा था। अमेरिका का जो राष्ट्रपति बना था 16वीं बार जीत करके। कभी हिम्मत मत हारिए, साहस और धैर्य से काम कीजिए। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, बुझ गई समा तो जल सकती है। ध्यान देना, बुझ गई समा, समा किसे कहते हैं? समा किसे कहते बताइए? समा मोमबत्ती, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती, दीपक, उसको समा कहते हैं। बुझ गई समा तो जल सकती है और किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। यदि दीपक बुझ गया है तो वो फिर जल सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। बुझ गई समा तो जल सकती है। लोग कितना जल्दी हिम्मत हारते हैं। बुझ गई समा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती माने नाव। नाव फंस गई तूफान में, धैर्य मत टूटने दीजिए, हिम्मत रखिए, हिकमत कीजिए, वो पार हो जाएगी, बच जाएगी डूबने से। घबराओगे तो जरूर डूब जाएगी। बुझ गई समा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार हो सकती है, लेकिन ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।